नमस्कार, बेरोजगार आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट प्रवीण कुमार की मौत का जिम्मेदार आयुष विभाग। ये हैं प्रवीण कुमार जी और इन्होंने आयुर्वेद से डी फार्मा का कोर्स किया था और कई सालों से ये लगातार नौकरी के लिए प्रयासरत थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार खास करके आयुर्वेद विभाग लगभग 30 सालों से आयुर्वेद फार्मासिस्ट की कोई भी वैकेंसी लेके नहीं आई है। इसमें आयुर्वेद फार्मासिस्ट जो बेरोजगार हैं बेचारे, प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस सही से न चलने के कारण परिवार की जिम्मेदारी, बीबी और बच्चे की, माता और पिता की जिम्मेदारी को निर्वाहन करते हुए किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहे थे और परिवार और समाज की ताना और उलहना का शिकार होकर, अपना आपा खोकर गंगा में कूद कर इस बेरोजगार फार्मासिस्ट ने जो है कल रात अपनी जान दे दी। और इसका जो है खामियाजा आयुष विभाग के अधिकारियों को जाता है और हमारी सरकार को जाता है कि इतनी लापरवाही आयुर्वेद फार्मासिस्ट के लिए क्यों दिखाई जा रही है। ये लोगों ने काफ़ी आशा से अपने माता पिता का जो है पैसा खर्च करके और मेहनत से फार्मासिस्ट की पढ़ाई किया था, लेकिन सरकार का किसी भी प्रकार का इनके प्रति कोई जो है लगाव नहीं दिखाई दे रहा है। आए दिन आयुर्वेद फार्मासिस्ट विभागों के चक्कर काट रहे हैं, दौड़ दौड़ के विभागों से, और उनको कोई भी प्रकार का रिजल्ट नहीं मिलता है। भटकता रहता है फार्मासिस्ट, क्यों नहीं निकाली जा रही है सरकार के द्वारा वैकेंसी और आयुष विभाग क्यों इतना लापरवाह है। यही है योगी जी की सरकार का न्याय कि इनके सरकार में कितने फार्मासिस्ट जो है अपनी जान देने के लिए जो है तैयार बैठे हुए हैं। अभी तो आप देख रहे हैं इस युवक का, इसकी बीबी और इसकी 3 साल की बेटी का कौन जिम्मेदार होगा, क्या आप हमें बता सकते हैं? या मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इसके परिवार का कौन जिम्मेदार होगा, इसकी बेटी का कौन जिम्मेदार होगा, इसकी बीबी का और इसके माता पिता का कौन जिम्मेदार होगा। अपने परिवार का सबसे बड़ा पुत्र था और मैं आपको ये पेपर कटिंग दिखा रहा हूँ। पुल पर पहुँचा युवक बाइक खड़ी की और कूद गया गंगा में। सारी चीज़ें आपको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। ये अमर उजाला की कटिंग है, अमर उजाला का पेपर है जो आज की डेट में प्रकाशित हुआ था। इनके माता पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी। अगर आप लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं और सरकार नौकरी नहीं देती है तो बच्चा डिप्रेशन में आके और ऐसी घटनाएं देने के लिए मजबूर हो जाता है। क्या इसी दिन रात के लिए माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? सरकार की उदासीनता को देखते हुए आयुष विभाग में जो अधिकारी सुस्त पड़े रहते हैं, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करते हैं, और उसी का खामियाजा आज का युवा भोग रहा है। क्या योगी जी से मैं जानना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, कि इसी तरह का आपका विभाग का और ये कैसा आपका कानून है कि 30-30 सालों तक कोई वैकेंसी नहीं निकाली जाती है और बच्चे जो युवा हैं दर दर भटकते रहते हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप लोग हमको बताइए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।